कितनी अजीब दास्ता है नमा, जिस बेटे को आपने 9 महीने कोख में पाला, उसे बड़ा किया, जवानी की दहलीज पे उसे किसी से प्यार हुआ और वही प्यार तूने छीन लिया। हा, मैं तुम्हें नेहा की मौत का जिम्मेदार ठहराता हूं। कुदरत का कानून भी कितना अजीब होता है नमा, जैसे कर्म वैसा ही फल मिलता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें इसी हालत में जिंदगी भर रखे और याद दिलाए उस घिनौने अपराध का जो तूने सिर्फ जात पात को देख के किया। अफसोस तो इस बात का है कि तुम जिंदा हो, मरी नहीं, और मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ, घुट घुट कर मरना चाहता हूँ। कोई भी लड़का अपनी माँ की इस हालत पे उसे श्राप नहीं देता, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगर तुम इस कोमा से उभर भी गई तो तुम चल नहीं पाओगी। आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूँ माँ, इसके बाद मैं सदा के लिए जा रहा हूँ विदेश। इस मिट्टी से मुझे प्यार है, लेकिन अपनों ने जो मुझसे गद्दारी की उससे मुझे सख्त न कर नफरत है। मैं जा रहा हूँ माँ, फिक्र मत करना, तुम्हारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हॉस्पिटल का बिल मैं चुकता करता रहूंगा और तुम्हें घुट घुट कर मरता देखूंगा। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ।